हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एक कैप बना रही हूँ। कैप बनाई है, देखिए बहुत ही प्यारी सी कैप जो है बन के रेडी हुई है। देखिए इस तरह से दोनों साइड से एक जैसी कैप है। देखिए दोनों साइड से एक जैसी बुनाई इसमें आई है। देखिए इस तरह से, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। कोई भी आप उल्टी बना लीजिए, कोई भी आप सीधी बना लीजिए, सीधी रख लीजिए साइड। दोनों साइड से एक जैसी कैप जो है ये बन के आई है। इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। नॉर्मल मेरे पास वूल थी, ये देखिए ये वाली वूल है मेरे पास, एक्स्ट्रा शाइन वूल है, वर्धमान की है। और 9 नंबर की मैं इसमें सिलाई जो है इसमें यूज़ की है मैंने, 9 नंबर की सिलाई। देखिए तो 9 नंबर की सिलाई के साथ बनाया ताकि थोड़ा सा जो है जो ढीला ढीला बने तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। तो इस तरह की कैप बनाना सीखते हैं आज। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, इसे बनाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। इसे बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 80 फंदे मैंने डाले हैं, 80 स्टिचेस डालने हैं। ये वाली बूल मैंने ली है, नॉर्मल बूल है, 9 नंबर की सिलाई से इसे जो है मैं बनाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी जो है कैप बन के रेडी होगी। कितनी बूल लगेगी इसमें वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसमें 80 फंदे मैंने डाले हैं। 80 फंदे डाल करके एक फंदा आपने उतारना है और 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। जो डिजाइन मैं डालूंगी इसमें वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। 3 फंदे आप उल्टे बनाएंगे, धागे को बैक साइड करेंगे, एक फंदा आप बिना बुने उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे। इन्हीं 4 फंदों को आपने दोहराते हुए जाना है। 3 फंदे उल्टे, धागा बैक साइड, एक फंदा बिना बुने उतारना है। 3 फंदे उल्टे, धागा बैक साइड, एक फंदा बिना बुने उतारना, फिर 3 फंदे उल्टे। तो इसी तरह बनाते हुए हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए पूरी रो को इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी साइड से कैसे बनाएंगे, ये मेरे पास एक फंदा जो है ज्यादा था तो इसे इस तरह से साइड में ही रहने देंगे। देखिए ये जो हमने बिना बुने उतारा है फंदा, इसको हम बीच में लेंगे और इसको हम जो है उतार लेंगे। देखिए इसे उतार लिया। अब 3 फंदे जो है उल्टे लेंगे। जो फंदा हमने बिना बुने लिया था यहां से वो हम बीच में लेंगे। देखिए ये जो है यहां पे ये फंदा बीच में लेंगे हम, ये देखिए ये फंदा बीच में लेंगे और 3 फंदों को फिर से उल्टा बुनेंगे। ये फंदा बिना बुने आएगा। ये जो फंदा हमने पहले बिना बुने लिया था, ये देखिए ये बिना बुने लिया था फंदा हमने, देख सकते हैं आप, इसको हम सेंटर में लेंगे, 3 फंदों के सेंटर में लेंगे जो हमने उल्टे बुनने हैं। फिर इसको बिना बुने लेना है, फिर 3 फंदे बिना बुने उल्टे लेने हैं और एक बिना बुने। तो इस तरह से दूसरी रो को भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। जो फंदा हमने बिना बुने लिया है बस यही ध्यान रखना है, आपने इसको सेंटर में लेना है। जो 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे उसके सेंटर में लेना है। एक फंदा उल्टा आ गया, ये बिना बुना हुआ सेंटर में ले लिया और ये एक फंदा फिर से उल्टा ले लिया। अब इसके आगे वाला बिना बुने ही लेना है ऐसे। फिर एक फंदा उल्टा, ये बिना बुने लिया इसको भी उल्टा बुनेंगे सेंटर में। बस यही आपने रखना है कि ये वाला फंदा जो है बिना बुने लिया है हमने पहली सिलाई में, वो इन तीनों के सेंटर में आना चाहिए। इसी तरह करते हुए हमने इसको 6 इंच के करीब जो है बुन लेना है। तो इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद जो है आपको लंबाई दिखा देती हूँ थोड़ी सी। इसकी लंबाई जो है मैंने 7 इंच के करीब बनाई है।
क्योंकि इसको एक इंच फोल्ड भी करना है। देखिए इस तरह से, ये हमारी उल्टी साइड है और इस तरह से अगर आप फोल्ड करेंगे तो जो सीधी साइड जो है इस साइड में आ जाएगी। तो एक इंच फोल्ड करने के बाद हमारा जो है 6 इंच के करीब इसकी लंबाई हो जाएगी। सिर्फ 1 इंच हमने फोल्ड करना है नीचे से इसको, तो 6 इंच के करीब हमारी लंबाई जो है इसकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, जितने भी आपके पास स्टिचेस हैं उनको हाफ कर लीजिए। हाफ करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे 40 फंदे हैं, यहाँ पे मेरे 39 फंदे हैं, 39 फंदे हैं, तो मेरे पास टोटल मेरे पास जो है 79 फंदे थे। अब हमने इन 19 फंदों को, देखिए 39 फंदों को सीधा और उल्टा बुनना है। सीधी साइड से इस साइड हमने सीधी रखी है, ये साइड हमने सीधी रखी है, तो यहां से हम सीधा बुनेंगे, दूसरी साइड से उल्टा बुनते हुए इसको जो है 1 इंच के करीब हमने ऐसे ही सीधा और उल्टा बुन लेना है। उसके बाद आपको दिखाती हूँ आपने आगे इसको कैसे बनाना है। देखिए पहले इसको सीधा, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुन के आप कंप्लीट कर लीजिए। पहले आपने देखना है कि सीधी साइड हमने कौन सी रखनी है, उल्टी साइड हमने कौन सी रखनी है, उसके बाद आपने जो है इसको सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए 1 इंच के करीब आपने बुन लेना है, 1.5 इंच के करीब आपने जो है बुन लेना है, ताकि हमारा जो रैबिट का ईयर बन रहा है उसकी लंबाई जो है कंप्लीट हो सके। तो इस तरह से आपने बुनना है इसको। ये मैं सीधी साइड बुन रही हूँ तो सीधे फंदे बना रही हूँ, देखिए इस तरह से। दूसरी साइड उल्टी है तो उल्टे फंदे बनाऊंगी उसमें। सीधी साइड हो गई, अब उल्टी साइड से पूरे फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने 9 सिलाइयां जो है सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाया है। देखिए इस तरह से आप गिन सकते हैं इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सिलाइयां मैंने बना के कंप्लीट की। इसके बाद हमने घटाना है फंदों को। कैसे घटाएंगे देखिए, एक फंदा उतारेंगे, 2 को इस तरह से किया, 2 का 1 बना लिया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे सीधे बनाए, 2 का 1, देखिए 1 फंदा उतारा, 2 का 1 किया, 5 फंदे सीधे बनाए, फिर इन 2 को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 2 को इस तरह से लिया, 2 का 1 किया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 2 का 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 2 का 1 करेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5। अब लास्ट में चाहे तो आप 2 का 1 कर लीजिए, चाहे आप जो है रहने दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 का 1 किया है, यहाँ पे हमारा फंदा जो है कम हो गया, तो यहाँ से आप अगर आप घटाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इन सारे फंदों को ऐसे ही रहने देते हैं। अब आ जाइए दूसरी साइड, पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे, जितने भी आपके पास फंदे हैं आपने इसी तरीके से जो है उसे बनाते हुए जाना है। पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया, अब दूसरी सिलाई सीधी आएगी, उसमें हमने फिर से फंदे घटाने हैं। पहले हमने 5 फंदों के बाद फंदा घटाया था, अब हमने कैसे घटाना है देखिए, 1 फंदा उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर लिया, फिर 1, 2, 3, 4, 4 फंदे घटा लिए, फिर ये वाला घटाने वाला फंदा है इसको ऐसे सीधा किया, इसको 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2
तीन चार, ये फंदा घटाया था पहले, अब इसके साथ ये माला मिला लिया, दो का एक कर दिया, फिर एक दो तीन चार और दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे, दो का एक, बाकी हमारे पास जितने भी फंदे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से आ गया, ये फंदा ये फंदा ये फंदा ये फंदा और ये फंदा कम हो जाएंगे। एक लाइन में हमारे एक सिलाई में पांच फंदे कम हो रहे हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। आगे देखिए फिर से एक फंदा उतारेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा, दो फंदे सीधे और तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद फिर दो का एक करेंगे, ऐसे ही अगली सिलाई में दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो का एक करेंगे। अब देखिए हमारे पास पांच फंदे बचे हैं, दो चार छह फंदे बचे हैं, छह फंदों को हमने धागे को कट करके सुई में डाल के इसको बंद कर देना है, इस तरह से सुई में धागे को डाल करके इसको बंद कर दीजिए, सारे फंदों को सुई में उतार लीजिए ऐसे और इनको टाइट कर दीजिए इस तरह से, और इसको आपने सिलना है। पहले तो इसको टाइट करके दूसरी साइड भी हम बुन लेते हैं, इस तरह से एक नोट लगा दीजिए अच्छी तरह से, फिर इसी धागे के साथ इसको सिल लेंगे, इसको छोड़ देंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बुन लेनी है। पहले नौ सिलाइयां हम जो है बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, फिर उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस फिर से वही, पांच के बाद दो का एक करना है, पांच फंदे सीधे बनाने हैं, दो का एक करना है, इस तरीके से आपने जो है इसको दूसरी साइड को भी बना लेना है। तो मैं दूसरी साइड बना लेती हूँ, फिर आपको सिल के दिखाऊंगी कैसे सिलना है इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड से भी मेरे पास जो है छह फंदे हैं, तो इन्हीं फंदों को लेके हमने इस तरह से सुई में ले लेना है, सुई में लेके इसको बंद कर देना है, फिर इसको सिलाई इसकी सिलाई करेंगे। दोनों जो कान हैं ये अलग से सिले जाएंगे, कैसे सिलेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से पहले तो इसको पक्का कर लेते हैं ऐसे, यहाँ से एक नोट लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से इसको पकड़ेंगे और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये दोनों कान यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों कान जो है कुछ इस तरह से सिल चुके हैं और दोनों कानों के जो धागे बचे थे मैंने दोनों एक सुई में ऐसे डाल लिए ताकि ये पक्का हो सके। अब यहां से इसको इस तरह से करेंगे ऐसे ऐसे कर दिया। अब बाद में इसको बाद में इकट्ठा करेंगे, पहले ये वाला जो है पोर्शन इसको सिल के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले सीधी साइड से सिल लेते हैं, इस तरह से सीधा करने के बाद यहां से सिलेंगे। देखिए कैसे सिलेंगे इसको, ये एक यहां से स्टिच लेंगे इस तरह से, यहां से, और एक स्टिच लेंगे हम यहां से, ये देखिए यहां से, फिर एक यहां से लेंगे ये जो बीच में है यहां से, और फिर दूसरी साइड से ये देखिए ये वाला जो है ये लेंगे,
तो इस तरह से सिलेंगे तो बीच वाला जो ये वाला हिस्सा है ये भी हमारा ऐसे आ जाएगा, जैसे ये लाइन बन रही है वैसे ये बन जाएगी। तो मैं ये पूरा सिल लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इन पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे, कैसे करेंगे ये देख लीजिए। थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ से आप चाहें तो ऐसे भी बांध सकते हैं इनको, यहां से ले लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने लिया है, एक कान को इस तरह से हम जो है यहां पे लाएंगे और इसी तरीके से हमने दूसरे कान को भी यहां तक लाना है। इसको थोड़ा सा यहां से नोट कर लेते हैं, नोट बना लेते हैं यहां पे इस तरह से। हल्की सी यहाँ पे नोट लगा लीजिए, फिर इसको भी इस तरह से, आप चाहें तो इसको इस तरह से बांध भी सकते हैं, ऐसे ऐसे बांध दीजिए तो भी आपका जो है ये बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो नोट लगाई थी उसे खोल के इसी के साथ हम ऐसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको बांध देना है, चाहे आप आगे से पीछे की तरफ बांध दीजिए, चाहे आप जैसे मैंने आपको बताया एक एक फंदा बीच में लेकर के इसको राउंड करके टाइट कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने बना लिया। अब यहाँ पे जो है इसमें एक बटन लगा देते हैं ताकि सुंदरता और बढ़ जाए इसकी। यहाँ से ऐसे करेंगे इस तरीके से, कोई भी आपके पास बटन है उसको आप जो है इसमें लगा सकते हैं। देखिए टोपी हमारी बिल्कुल बन के रेडी है। तो बोवाई सुई के साथ लग नहीं रहा था बटन, तो मैंने बारीक सुई ली, उसके साथ जो है इस बटन को अटैच कर दिया। आपके पास कोई भी सुई है, कोई भी बटन है, इस तरह से लगा के इसको और भी सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह से आपने जो है इस टोपी को बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैप जो है कैसी लगी। देखिए कितनी फ्लेक्सिबल है, देखिए इस तरह से आराम से जो है 6-7-8 महीने के बच्चे को आराम से आएगी। देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल कैप बनी है। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फंदे ज़्यादा डालिए, इससे छोटा बनाना चाहते हैं 2-4 फंदे कम डाल दीजिए। तो इस तरह से आप इस कैप को बना के रेडी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।